नगर निगम के द्वारा वेंडिंग जोन बनाए गए थे, जिससे गरीब और असहाय लोगों को सहारा मिल सके। दुकानें लगातार बनाई गई थी, अब दुकानों का आवंटन होना है, लेकिन उससे पहले ही लोगों के द्वारा विरोध करना शुरू कर दिया है। क्या वो वजह है क्यों वो विरोध कर रहे हैं, जबकि प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा जो योजनाएं लाई गई थी वो काफ़ी लोगों के लिए लाभदायक बन सकती हैं, लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, क्या वो वजह, इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा यामीन खान अब्बासी, पूर्व पार्षद, प्रवक्ता राम रहीम, फुटपाथ लघु व्यापारी समिति, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं एक रोजगार भी मिलेगा, लेकिन फिर ये प्रदर्शन क्यों? देखिए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन पर अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 30 वेंडिंग जोन बनाए गए, और उन वेंडिंग जोनों में लखनऊ की टीम आई थी, और स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जीटी रोड पर बन्ना देवी में जो चर्च की बाउंड्री के साथ एक स्मार्ट वेंडिंग दुकान बना करके ये मॉडल दिखाया गया था, और सभी वेंडिंग जोन के जो तमाम जो दुकानदार थे, फुटपाथ वाले, रेहड़ी वाले, चाट मसाले वाले, पकौड़ी वाले, उनको ये दुकान मॉडल के रूप में दिखाई गई थी। लेकिन अभी नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा आवेदन मांगने के बाद, दुकान आवंटन के आवेदन मांगने के बाद एक मैसेज जा रहा है कि 11 तारीख को 10 बजे जवाहर भवन में लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा। लेकिन आवंटन से पहले नगर निगम के आला अधिकारियों ने जो वेंडिंग जोन में चिन्हांकन किया है वो मात्र 5 फुट जगह का किया है, जबकि हमें दुकान कुछ और दिखाई और आवंटन कुछ और कर रहे हैं। इस बात का जो TBC सदस्य है, टाउन वेंडिंग कमेटी के यहाँ 12 मेंबर हैं, उनके साथ साथ तभी सभी वेंडिंग जोन दुकानदार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जब तक जो आवेदन आए हैं उनकी जांच कराई जाए, और जिन लोगों को जांच दी गई है उन्होंने 500 रुपये से लेकर के 2000 रुपये लेकर के ऐसे वेंडिंग जोनों की दुकानदारों की रिपोर्ट पॉजिटिव लगा दी, जो दुकान वहाँ कर ही नहीं रहे, और जो 25-30 साल से दुकान कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट ही नहीं लगाई। तो पहले तो इसका सर्वेक्षण जो होना चाहिए वो ईमानदारी से होना चाहिए, और जो हमारे TBC के मेंबर हैं और जो तमाम हमारे पुराने दुकानदार हैं जो 2014 से जो जहां बैठे हैं उनको बिना लॉटरी के माध्यम से दुकान आवंटित करनी चाहिए। तीसरा विरोध हमारा वेंडिंग जोन के दुकानदारों का ये है कि दुकानों की जो किराया है वो 300 रुपये पर डे, 200 रुपये पर डे और 100 रुपये पर डे रखा गया है। अब ये बताइए, ये दुकान जो प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि गरीबों को प्रोत्साहन दिया जाए, गरीबों को सुविधा दी जाए, आज गरीबों का शोषण करने के लिए नगर निगम ने इतने रेट निर्धारित कर दिए हैं, वो दुकानदार किसी कीमत पर देने को तैयार नहीं। ये बताइए, आप जो बता रहे हैं 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, क्या ऐसा किसी के द्वारा आदेश दिया गया या फिर ऐसा कोई पत्र आपको मिला है? देखिए, पत्र मिला है, जो TBC कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें सभी 12 सदस्य थे और अन्य सदस्य भी थे, आला अधिकारी भी थे। उन्होंने कमेटी बनाने के बाद परिचय मीटिंग के नाम से यहाँ मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुला करके वो जो मॉडल शॉप बनाई है उस दुकान को देख करके किराया निर्धारित किया था, लेकिन जब ये 5 फुट पर चिन्हांकन किया तो सभी दुकानदारों ने इसको ऐतराज़ किया है, और आज महापौर महोदया को हम अपना ज्ञापन के माध्यम से उन्हें अवगत कराने आए हैं, क्योंकि कल शिवरात्रि थी, आज 2nd सैटरडे है, कल संडे है, नगर आयुक्त अलीगढ़ से बाहर हैं, हमें बताया गया था, तो महापौर जी से हमारी बात हुई है, तो पहले हम महापौर जी से बात रखेंगे, फिर हम नगराज जी से बात रखेंगे, उसके बाद हम जिलाधिकारी से मिलेंगे, और अगर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी तो समस्त TBC मेंबर नगर निगम के जो अपनी सदस्यता उसे हम रिजाइन कर देंगे। क्या वजह है और कहां पर आप आए हुए हो? नगर निगम। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है, हमारी जो दुकान है जो दी जा रही है, जो पहले जो उन्होंने दिखाया था कि ये मॉडल शॉप है 10 फीट पे दी जाएगी, लेकिन उन्होंने 5-5 फीट पर चिन्हित कर दिया गया है, और 5 फीट के बावजूद भी उन्होंने कहीं ऐसी रास्ता नहीं छोड़ी है जो आदमी निकल सके, जबकि ढकेल का ये जो लंबाई जो होती है वो 5.5-6 फीट के लगे हुए होती है, लेकिन उन्होंने 5 फीट का निर्धारण किया है, तो ये तो गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से सभी जितने भी दुकानदार हैं अलीगढ़ के, सभी इस परेशानी से सभी परेशान हैं, और मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये नगर निगम ने पैसा तय किया है, ऐसा तो तब भी नहीं होता था जब नगर निगम की तहबाजारी होती थी और वसूली की जाती थी, उस समय भी 2 रुपये लिए जाते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से सभी गरीब लोगों के लिए स्वनिधि योजना के अंतर्गत और कई ऐसी योजना चला रखी है जिनसे लाभ मिल रहा है, मगर उस लाभ से लाभ वगैरह सब मिल रहा है, और योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से ये सब सरकार जो करा रही है
और हमारे अलीगढ़ के सारे दुकानदार इस चीज का विरोध भी करते हैं। क्या मानते हैं, किराया ज्यादा है या कम है? किराया ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। पीड़ित जो है का ये ठेल ढकेल वाला मेरे हिसाब से तो कभी दे ही नहीं पाएगा। मैं देखता हूँ जितने ढकेल लगाई है उसकी पीड़ा को समझे कि सुबह 10 बजे रात को 4 बजे वो मंडी जाता है, मंडी से जब केले लेके आता है, जब लगाता है तो उसको चाय नाश्ता भी नहीं मिलता, बच्चे भी नहीं। मैं स्वयं पीड़ित हूँ। मेरी माँ जब तांगे में जब सब्जी लेने जाती थी तो मेरी छोटी बहन उस पर चूल्हे पर चाय भी नहीं बना पाती थी और बच्चे हमारे छोटे भाई देखते थे जो है का। तो जो ढकेल वाले के जो सब्जी लेने जाते उनकी पीड़ा को समझिए कि ढकेल वाला किस तरीके से जो है का ये अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहा है। इनको सिलेंडर मुफ्त मिलना चाहिए, इनकी पढ़ाई मुफ्त होनी चाहिए, इनकी दुकानें बिल्कुल निःशुल्क मुफ्त होनी चाहिए, यही मेरी मांग है। अगर ये हमारी मांग नहीं हुई तो हम सब लोग अब कल परसों से रमजान शुरू हो रहा है, हम नगर निगम के गेट पर रमजान यही रखेंगे, न हम होली मनाएंगे न ईद मनाएंगे। हमको जो है का निःशुल्क चाहिए, हमें प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी की जो हमको सुविधा दी है वो हमें मिलनी चाहिए। 9,000 रुपये बताया जा रहा है, जैसा कि 9,000 रुपये 300 रुपये पर डे, फिर फुटपाथ पर ही क्यों? देखिए ये हमारे साथ छल है, हमारे साथ धोखा किया गया है। हमें बुलाकर हमसे मीटिंग कराई गई, हमको बन्ना देवी थाने से आगे GT रोड पर जो दुकान थी वो एक पिलर से लेकर दूसरे पिलर तक का फोटो दिखाकर हमें किराया तय किया। उससे हम मुतमइन हुए, उससे हम मुतमइन हुए सारे वेंडर जो थे, लेकिन हमारे साथ छल किया गया अधिकारियों ने, हमारे साथ धोखा किया गया। धोखे से हमसे साइन वाइन करा लिए गए, लेकिन सही बात तो ये है कि जितना उन्होंने दुकान दिखाई है वो अगर हमें दुकान देते तो हम जो है ना जहाँ 50 रुपये वहाँ 50 रुपये देने को तैयार है, जहाँ 100 रुपये देने को तैयार, लेकिन दुकान हमें वही मिलनी चाहिए जो हमें दिखाई। क्या कमी है जो आप जो दुकान बताई है? उन्होंने दुकान पर एक चिन्हित कर दिया, नंबर डाल दिया, जहाँ दुकान 20 थी वहाँ 40 कर दी, जहाँ 30 दुकान थी वहाँ 60 कर दी, दुकान की 5 फीट दे रहे हैं, 5 फीट जबकि ढकेल 6 फीट की होती है, कब्र खोदो तो कब्र भी 6 फीट की होती है। अरे भैया कब्र की बराबर तो दे दो, मरना हमें कम से कम है, मरे तो वहीं पर लेट जाए, लेट भी नहीं पाएंगे हम अपनी जगह पर। अगर मान लीजिए हम गरीब आदमी है, कोई हमें हार्ट अटैक, मोटा हूँ, मेरा नाम मुशरफ है, मैं TV से सदस्य हूँ, अगर मैं वहीं मर जाता हूँ हार्ट अटैक उड़ा तो मेरी तो मट्टी भी दूसरे के उस पर चली जाएगी दुकान में, इतना लेट हुआ तो मेरा जो पैर उसी दुकान पर है, कम से कम इतनी तो दे दो कि कम से कम है हम अपनी दुकान में लेट जाए। मांग पूरी नहीं हम जो है संघर्ष करेंगे, हम भूख हड़ताल में बैठेंगे, हम माननीय योगी आदित्यनाथ लखनऊ जाएंगे, हमारे कुछ लोग लखनऊ जाएंगे, कुछ भूख हड़ताल में बैठेंगे हम लोग। देखिए साफ तौर पर कहा जा रहा है जो दुकान दिखाई गई ऐसी दुकान नहीं मिली है, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? जो दुकानें दिखाई गई थी वो दुकानें नहीं बनी। दूसरी बात ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने जो सिस्टम बनाया है ना, पहले तो हमारे लोगों के लिए 10 फीट की जगह थी। देखिए मैं शुरू करता हूँ, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी गरीबों के हितैषी हैं, हम 100% कह देंगे गरीबों के हितैषी हैं, मजलूमों के हितैषी हैं, फुटपाथियों के हितैषी हैं। अगर हितैषी नहीं होते, इतनी तमाम गवर्नमेंट आई, किसी भी गवर्नमेंट ने जो सिस्टम नहीं बनाया, सबसे पहले जब इन्होंने हमें जब ये बना के दिया है तो किसके लिए दिया है कि गरीब असहाय मजलूम मजदूर ये सारे लोग फुटपाथ पर बैठ करके अपना जीवन सही से यापन कर सके। अब इन्होंने ये क्या सिस्टम बनाया, पहले करीब 10 फीट का सिस्टम था, 10 फीट के सिस्टम को भी इन्होंने जो सिस्टम दूसरा जो मॉडल जो मॉडल जो तैयार किया वो करीबन 8 फीट के करीब का है, और वर्तमान में जो इन्होंने जो सिस्टम बनाया है, टच जो लगाए, नंबर जो गिरे हैं वो 5 फीट के हैं। मॉडल जो दिखाया वो 8 फीट का 10 फीट का दिखाया। वर्तमान में परेशानी क्या आ रही है? परेशानी एक मिनट सुनिए, परेशानी तो हम बता रहे हैं, और क्या परेशानी की वजह तो सारे लोग आए। अब इतनी दिक्कत आने के बावजूद भी, और ये 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये जैसे जो सिस्टम बना रखा है ना, अब एक बात बताइए, आदमी फ्री में तो बैठे हुए मतलब जीवन यापन कर रहा था। अगर पैसा ही रखने हैं तो सीमित पैसे रखो, जिससे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक दुकानदार के 50 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा वो भी ज़्यादा है जो पहले से सिस्टम ना, वो तो ब्याज पर ब्याज लगाने के बाद, उसके ही ऊपर ब्याज लगाने के बाद, जब ये 50 रुपये मैं बता रहा हूँ, और जो हमारी गवर्नमेंट है तो हमको ऋण दे रही है 50,000 20,000 1,00,000 रुपये, और यहाँ अब उन रुपयों से यही लोग छीन लेंगे, बच्चे क्या खाएंगे हमारे, क्या कहेंगे? देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ये नगर निगम के अधिकारी हैं ये शायद योगी जी के और मोदी जी के विरोधी से मालूम पड़ते हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो हमें दिखाया था कि ये आपके लिए दिया जाएगा, दुकान दी जाएगी, और आज उसमें एक एक दुकान में 3-3 आदमी बिठाने जा रहे हैं,
तो यानी कि 3900 रुपये हो गए एक दिन के, 900 रुपये। तो ये मुझे तो लगता है कि ये विरोधी हैं इनके, योगी जी के और मोदी जी के। कैसे क्योंकि ये देना ही नहीं चाह रहे, ये तो बस पैसा वसूलना चाह रहे हैं कि कहीं से पैसा मिले। जांच भी उनकी हो रही है जो पैसा दे रहा है। अब कितने लोग आप यहाँ पर आए हुए? यहाँ पर हम सारे लोग हैं, टीवीसी के मेंबर जो हैं 12 मेंबर थे, हम टीवीसी का 12 भी मौजूद हैं यहाँ पे। हम फुटपाथ के लोग भी हैं, फुटपाथ के लोग भी हैं। और इंशाल्लाह अगर इन लोगों ने हमारी बात को नहीं सुना तो हम यहाँ पर भी धरना देंगे और यहाँ से हाई कोर्ट तक की लड़ाई लड़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए साफ तौर पर टीवीसी के जो मेंबर हैं उनके द्वारा कहा गया अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो बड़ा विरोध प्रदर्शन उनके द्वारा किया जाएगा। ट्रेंडिंग जोन बनाकर लगातार गरीब और असहायों की मदद करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार व केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा किया था, लेकिन ऐसा टीवीसी मेंबरों का कहना है ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। या वेंडिंग जोन के नाम पर लगातार लोगों का उत्पीड़न करने की साजिश रची जा रही है, ऐसा टीवीसी मेंबरों के द्वारा कहा गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।